हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमकुम सिंह। कुमकुम की रसोई में आपका स्वागत है। अभी नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि स्पेशल मैं मखाना का रायता का रेसिपी बता रही हूँ। आप मेरी विधि से बना के देखिए, काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको मखाना का रायता बना के दिखाती हूँ। मखाना का रायता बनाने के लिए देखिए, मैं इतना मखाना ली हूँ, ये दही ली हूँ, एक बॉल दही ली हूँ, ये नमक है, स्वाद अनुसार डालूंगी, सेंधा नमक है, ये चीनी है, ये भी स्वाद के अनुसार डालूंगी, ये जीरा और लाल मिर्च का भून करके इसको ये पीस दिए थोड़ा सा सूखा, ये हरी मिर्च है, ये पुदीना पत्ता है, ये धनिया पत्ता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए इसमें रिफाइंड नहीं डालना, सूखा कढ़ाई भूनना है और हल्का हल्का भूनना है, बस हल्का ब्राउन हल्का हो जाएगा, बस इसको मैं उतार लूंगी। देखिए मेरा ये हल्का भुन गया है, थोड़ा हल्का खुशबू भी आने लगा है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, ऐसे में निकाल कर डायरेक्ट दही में डालूंगी। देखिए ये सेंधा नमक है, स्वाद अनुसार डालेंगे, ये चीनी है, ये भी स्वाद के अनुसार डालेंगे, ये जीरा और लाल मिर्च का पाउडर है तो भून के तैयार किए हैं, ये हरी मिर्च है, ये आप स्वाद अनुसार डालिए, जैसे अगर तीखा कम खाते हैं तो नहीं डालें, ये पुदीना पत्ता है, ये धनिया पत्ती है, इस तरह से फेंट लेना है। देखिए मखाना का मेरा ये रायता बनके तैयार हो गया, काफ़ी स्वादिष्ट बना है। आप भी बना के जरूर ट्राई करें और बताएं कैसा बना।